बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं कुकिंग विद टेस्ट के साथ साइमा खालिद। आज मैं अपने व्यूअर्स के साथ अपनी बहुत बड़ी खुशी शेयर करने जा रही हूँ। हम बना रहे थे अपना न्यू घर और उस घर को मैं आपको दिखाने के लिए लेके जा रही हूँ। जिस दिन ये वीडियो बनाएगी, ईद का दूसरा दिन था और हम क्योंकि छुट्टियाँ थी मेरे हस्बैंड को और हम जा रहे हैं उसी घर को देखने के लिए। और ये देखें, ये पंजाब यूनिवर्सिटी की नहर है और इसके ऑपोजिट पंजाब यूनिवर्सिटी है और हम इसके साथ साथ चल रहे हैं और हर तरफ सुकून ही है, रश बहुत कम है, नहर भी बहुत अच्छी लग रही है। और नहर के साथ साथ ये है ठोकर का फ्लाईओवर और इसके साथ ही हमने पेट्रोल डलवाया और यहाँ से बैंक से क्रेडिट कार्ड यूज़ किया। और ये है जी चेक पोस्ट है और यहाँ गाड़ियाँ वगैरह चेक होती हैं, बहुत अच्छे से इंतज़ाम किया गया है। मौसम अच्छा हो रहा था और ना धूप थी और ना ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, लेकिन सूरज ढलने की तरफ जा रहा था। और हम पहुँचने वाले हैं जी प्लॉट पे। ये ज़ू बनाया हुआ है, यहाँ के ऑनर ने बनाया है और यहाँ उसने ऊँट वगैरह रखे हुए हैं कुर्बानी के लिए। और ये आ गए जी जगह जहाँ लोगों ने अपने अपने प्लॉट लिए हुए हैं और कुछ लोगों ने अपने घर स्टार्ट किए हुए हैं, कुछ के तामीर हो चुके हैं और हर तरफ हरियाली हरियाली है। और ये सूरजमुखी के फूल हैं। हम भी पहुँचने वाले हैं उसी जगह जहाँ हम घर बना रहे हैं। ये जी आ गया है घर, ये उसका फ्रंट है और बाहर बजरी वगैरह है। और ये ऊपर मेरा बेटा है छत पर, क्योंकि अब तो लेंटर भी हमने डाल लिया है। ये उसके बाद का मंजर है जब हम यहाँ पहले आए थे। अब हम चलते हैं घर के अंदर और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चले चल के देखते हैं घर के अंदरूनी मनाजर। सामने दो कमरे बनाए, फ्रंट पे ही ओपन स्पेस है ताकि रोशनी और वेंटिलेशन का इंतज़ाम रहे। साइड पे ये बनाई हुई है बैठक कह लें, ड्राइंग रूम कह लें। अभी क्योंकि लेंटर डल चुका है और अंधेरा है और बच्चों की खुशियां देखें, यहां आकर बच्चे कितने खुश हैं। हम पास ही लॉन में आ गए हैं जो कि ओनर ने बनवाया हुआ है। ये थीम पार्क का व्यू है जहां उन्होंने जगह जगह पार्क बनाए हुए हैं और बच्चों ने सूरजमुखी के फूल के पास तस्वीरें बनवाई हैं। और ये थोड़ी सी नीचे वाली जगह थी तो भाई ने अपनी बड़ी सिस्टर को पकड़ लिया है कहीं नीचे ही ना गिर जाए। बच्चों ने यहाँ आकर खूब इंजॉय किया और मेरी बेटी और मैं यहाँ आए हैं स्पेशली तौर पर गाना बांधने। और गाना बांधने के सीन ज़रा पहले के हैं। ये गाने में हमने बिस्किट, चॉकलेट्स, छुआरे और खोपरा डाला है क्योंकि हमें पतासे कहीं से मिले ही नहीं। दोनों साइडों पर मेरे बेटे खड़े हैं और ब्लैक सूट वाले ने ये तमाम तामीरात करवाई हैं। और मेरी बेटी जा रही है ऊपर अपने हिस्से का गाना बांधने, मैं क्योंकि बांध के आ चुकी हूँ क्योंकि बेटों का घर है और माएँ भी गाना बांध सकती हैं। और जब गाना बांध लिया मेरी बेटी ने तो उसको मिले हैं 5000 रुपीज़ और वो बहुत खुश होगी जी मेरी तो आज, और वो बहुत खुश है कि चलो उसने 5000 लिए। और अब हम रवा दवा हैं घर की तरफ। रास्ते में ये बकर मंडी, ईद का दूसरा रोज़ है तो फिर भी जगह जगह लोगों ने जानवर लगाए हुए हैं ताकि वो सेल करें और बाकी लोग भी ईद मना सकें। और हम जा रहे हैं वापस घर की जाना, जाते जाते रात हो गई है और ये हैं लाहौर के रात के मनाजर। हर तरफ रोशनियां ही रोशनियां हैं, जगह जगह लाइटिंग है और बहुत ही मज़े का मंजर है, बहुत ही खुशियों भरा समा है। और ये चेक पोस्ट है और हम रवा दवा हैं घर की जानब। आप मेरे और मेरे बच्चों के लिए दुआ करें कि हमारा घर खैर खैरियत से बन जाए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।